तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स अगर आप इस नुस्खे का यूज़ अपने फेस पर कर लेते हैं तो आपके फेस पर एक अमेजिंग का ग्लो आएगा, जिससे आपका चेहरा एकदम से क्लीन और साफ सुथरा दिखाई देने लग जाएगा। इस नुस्खे के लिए आपको यूज़ करना होगा टमाटर के रस का। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको टमाटर का रस कैसे निकालना है। इसके लिए आप टमाटर को हल्के हाथों से दबाइएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप टमाटर को अच्छे से दबाइए और दबाने के बाद फ्रेंड्स आप इसके दो हिस्से कर लीजिए। दो हिस्से करने के बाद फ्रेंड्स आप इसके रस को इसमें निकाल लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स एक टमाटर में कितना रस निकल गया है। आपके फेस पर लगाने के लिए इतना रस काफ़ी है, तो आपको फ्रेंड्स इतनी मात्रा में रस निकाल लेना होगा। और फ्रेंड्स आप बचे हुए टमाटर को सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। इस टमाटर के अंदर आपको डालना होगा ग्लिसरीन। फ्रेंड्स आपको एक चम्मच ग्लिसरीन इसमें ऐड करना होगा। ग्लिसरीन हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारी स्किन को एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनाता है और हमारे चेहरे को तेज़ी से निखारने का भी कार्य करता है। आपको इसमें एक चम्मच ग्लिसरीन का ऐड करना होगा। इस तरह से आप इसमें एक चम्मच ग्लिसरीन को ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप एक चम्मच रोज़ वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसमें आधा चम्मच एलोवेरा जेल को ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल भी नहीं है तो आप इन दोनों चीज़ों को ही मिक्स कर लीजिए और इसके पेस्ट को अपने फेस पर लगाइएगा। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। नहाने से पहले आपको इसका यूज़ अपने फेस पर करना होगा। नहाने से 15 से 20 मिनट पहले आप इसे अपने फेस पर यूज़ कीजिएगा, या तो आप इसे कॉटन की सहायता से अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लीजिए, या फिर उंगलियों की सहायता से फ्रेंड्स लगभग 5 मिनट तक आप अपने फेस पर इसकी मसाज कीजिए और उसके बाद 10 मिनट तक आप इस पेस्ट को अपने फेस पर लगाकर छोड़ दीजिएगा। जब 10 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। इस नुस्खे का यूज़ आपको वीक में 3 बार करना होगा। ऐसा करने से आपका चेहरा एक ही वीक में हमेशा के लिए गोरा और चमकदार निखर आएगा और आपके चेहरे की जो समस्या हैं, काले पिंपल, दाग धब्बे हैं, वो भी बहुत लाइट हो जाएंगे। तो आप इसका यूज़ करके देखिए कैसे आपके चेहरे को एकदम से गोरा, जवान और आपको खूबसूरत बनाए रखता है। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।